आज हम वो एग्जाम्पल्स देखेंगे एक्सप्रेशंस के जिसमें एक टर्म तो है पर वो मोनोमियल नहीं है आइए देखते हैं जैसा कि हम सब जानते हैं कोई भी एक्सप्रेशन में अगर एक ही टर्म हो तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं अब मान लीजिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइव प्लस एक्स यहाँ पे फाइव एक कांस्टेंट टर्म है और एक्स एक वेरिएबल है तो ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो सम है वो मोनोमियल नहीं है बिकॉज यहाँ पे दो टर्म्स गिने जाएंगे फाइव एक अलग कांस्टेंट टर्म है एक्स अलग वेरिएबल टर्म है पहला टर्म है फाइव सेकेंड टर्म है वेरिएबल एक्स ओके तो कांस्टेंट और वेरिएबल के ऊपर जब भी हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रिजल्ट हमें इसी तरह आएगा हमें टू टर्म्स ही मिलेंगे हम उसकी एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू कंप्यूट नहीं कर सकते क्योंकि हम वेरिएबल और कांस्टेंट को हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं एक साथ या तो दोनों टर्म्स वेरिएबल होने चाहिए या तो दोनों टर्म्स कांस्टेंट होने चाहिए तभी हमें एक पर्टिकुलर सिंगल टर्म मिलेगा यहाँ पे टू टर्म्स है फाइव और एक्स इसलिए जो ये सम है कांस्टेंट और वेरिएबल का वो मोनोमियल नहीं है नेक्स्ट एग्जांपल टू अपॉन एन ये जो टर्म है यहाँ पे सिंगल टर्म है ओके okay, एक ही टर्म है पर ये मोनोमियल नहीं है क्यों क्योंकि ये जो वेरिएबल टर्म है वो डिनोमिनेटर में आया है और मोनोमियल में जो भी वेरिएबल टर्म होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं आता क्योंकि टू अपॉन एन को हम इस तरह लिख सकते हैं टू एन रेस टू माइनस वन जब हम इसे टू एन रेस टू माइनस वन लिखते हैं तो जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे एक्सपोनेंट है माइनस वन जो एक नेगेटिव इंटीजर है ओके तो जो एक्सपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उस टाइम जो टर्म होता है वो मोनोमियल नहीं होता क्योंकि मोनोमियल में एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होल नंबर्स होते हैं ओके होल नंबर होता है होल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं इसलिए जो एक्सप्रेशन है जो टर्म है ये टू अपॉन एन वो मोनोमियल नहीं है नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर रेस्ट दावर ए ये वाला जो भी टर्म है वो भी मोनोमियल नहीं है क्यों यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो एक वेरिएबल है ओके okay? और मोनोमियल में हम एक्सपोनेंट में एक वेरिएबल नहीं ले सकते हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए एक्सपोनेंट में इसलिए जो ये टर्म है फोर दी दावर ए वो मोनोमियल नहीं है नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स टू दावर माइनस वन यहाँ पर अगेन माइनस वन है एक्सपोनेंट में एक नेगेटिव इंटीजर है इसलिए जो ये टर्म है एक्सेस टू माइनस वन वो मोनोमियल नहीं है यानी कोई भी एक्सप्रेशन में अगर एक टर्म हो एक कुछ बातों का ध्यान रखना है वो जो टर्म है उसमें वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में आया तो वो टर्म मोनोमियल नहीं है मोनोमियल में हमेशा जो एक्सपोनेंट होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और वो एक होल नंबर होगी ओके जो एक्सपोनेंट हमेशा अगर पॉजिटिव वैल्यू है और होल नंबर है तो ही वो जो टर्म है वो मोनोमियल है